बिलासपुर जिले के मरवाही में ग्राम टिक्ठी में नवजात बच्ची को फेंकने को लेकर एक कहानी बनाने का मामला प्रकाश में आया। मामला मरवाही विधानसभा क्षेत्र का है। ग्राम टिक्ठी में संतोष कुमार चौधरी ने एक नवजात बच्ची को सड़क किनारे मिलने की सोची समझी साजिश कर कहानी बनाया था। संतोष चौधरी ने कहा कि एक नन्ही जान एक घंटा पहले जन्मी नवजात बच्ची मुझे मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ भिड़वा के आसपास बरौर नाका के समीप मिली थी, जो कि चोटिल अवस्था में रही। उसके बाद नवजात को डॉक्टर के ध्रुव बीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही लाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। इलाज के बाद डॉक्टर के ध्रुव ने नवजात शिशु को एक अनजान व्यक्ति के हाथों सौंप दिया, जो पेशे से झोलाछाप डॉक्टर है। कहानी में मोड़ तब आया जब इसकी भनक पत्रकारों को लगी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद झोलाछाप डॉक्टर संतोष चौधरी के अनुसार नवजात को जन्म देने वाली माँ गीताबाई नवजात का भरण पोषण करने में लाचार थी, लिहाजा नवजात को सौंप दी। वहीं डॉक्टर के ध्रुव के पूर्व बयान में भी बदलाव नजर आया। तमाम कहानियों के बाद उस नवजात शिशु को समर्पित चाइल्ड केयर बिलासपुर 102 महतारी एक्सप्रेस से भेज दिया गया। वहीं समर्पित संस्था में सखी न होने के कारण दिक्कतें और बढ़ गई, लिहाजा बच्ची की माँ तो मिला तमाम कहानियों के बाद, पर पिता अभी तक सामने नहीं आए। क्या शासन और प्रशासन इस कहानी से पर्दा उठा पाने में कामयाब होगा, फिलहाल यह देखने वाली बात होगी। यहाँ टीआई साहब के द्वारा चाइल्ड लाइन बिलासपुर को सूचना दी गई कि नवजात बच्चा मिला हुआ है करके, तो चाइल्ड लाइन टीम बच्चे को ले जाएगी अपने पास और बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वहाँ पर प्रस्तुत करेगी बच्ची को और उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। चूँकि उनकी माँ उनके साथ है तो हमको पूरा विश्वास है कि उसकी माँ को तुरंत समिति द्वारा सौंप दिया जाएगा और वो अपनी माँ के साथ घर आएगा। अगर माँ नहीं रखना चाहती तो फिर बच्चे तो सर अगर माँ नहीं रखना चाहती तो समिति के समक्ष उनको बोलना पड़ेगा कि मैं बच्चे को किसी भी कारणवश नहीं रख पा रही हूँ, तो बाल कल्याण समिति द्वारा उसे मातृछाया सेवा भारती में शुरू कर दिया जाता है सर। वहाँ 0 से 5 साल के बच्चे रहते हैं मातृछाया में, 5 साल तक बच्चों वहीं रहेगा सर अगर नहीं लेंगे तो। क्या अभी फिलहाल माँ के अलावा कोई और गोद लेने के लिए सामने आ रहे हैं? नहीं, अभी तो गोद नामक प्रक्रिया बहुत लंबा रहता है सर, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तब तक मातृछाया सेवा भारती में ही 5 साल बच्ची रहेगी। क्या था मामला? ये है, शुरुआत में उसकी माँ किसी कारणवश, क्योंकि पिता साथ है नहीं, डिलीवरी हो गया घर में और वो अचानक फिर उसको ठंडी आई तो उस काबिल भी नहीं था कि हॉस्पिटल आए या किसी का सहयोग। बगल वाले साथ ही पहचान के बोला संतोष चौधरी नाम का, तो वो लेकर आए यहाँ हॉस्पिटल। और फिर ये 2 दिन पहले की घटना है। उसके बाद फिर वो उसके बयान में थोड़ा सा वो सही जानकारी नहीं दे पाए। बरौर की घटना है, स्कॉर्पियो से जा रहे थे और वो कार्ड वगैरह भी था उसका, हम लाइकल कार्ड तत्काल लगता है कि 2-1.5-2 घंटे पहले का रहा है, फेंक के भागे तो उधर से कोई वो आ रहा था संतोष नाम का, पहचान गए तो वो देख के तुरंत ले आया। तो यहाँ कार्ड वार्ड उसका सब क्लियर करवा के उसको फिर वो रख लूँगा बोला। और एक जानकारी अपन दिए है तो कोई, क्योंकि अगर ध्यान नहीं भी देता तो वो ऐसे ही कुत्ते वगैरह काट लेता, कहीं भी ले जाता। तो बच्चे की अभी हाल? अभी ठीक है बच्चा, आज भी लाए थे, स्वस्थ है, आज भी लाए थे, लड़की है। बच्चा मिला है जिसकी जांच पे आप गए थे, क्या हुई थी पूरी जांच? अस्पताल और पब्लिक से सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम टिक्ठी बरौर का रहने वाला संतोष चौधरी एक नवजात शिशु को अस्पताल लेकर आया है इलाज हेतु। उसकी सूचना की तस्दीक हेतु हम लोग ग्राम बरौर गए थे, जहां बाद में पता चला कि उसकी माँ गीताबाई डिलीवरी के पश्चात अक्षम होने से, अस्पताल नहीं पहुंच पाने से अपने पड़ोसी, अपने साथी संतोष चौधरी को इलाज हेतु बालिका को भेजी थी। इलाज के बाद तस्दीक पश्चात इस जो अफवाह थी उसकी तस्दीक करने के पश्चात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसमें श्री प्रशांत अग्रवाल हमारे एसपी महोदय द्वारा बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश पर हम लोगों ने तस्दीक किया, जिसमें पता चला कि बरौर की गीताबाई उसकी माँ है और उसका पति बाबूलाल है जो उसके साथ बीच बीच में आना जाना करता है।